मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा। भक्त जनों, इस मोह माया से भरे संसार में ना जाने कितनी ही दिक्कतें एवं परेशानियों ने सबको फुलटू फंसा रखा है और दुनियादारी में टोटली उलझा रखा है। परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है प्रिय भक्तों, क्योंकि इन दिक्कतों से कुछ ना होता। देवी डिंपल लेकर आ रही हैं इन सारी समस्याओं का समाधान। तो अब से एवरी फ्राइडे 8 to 9 PM सोशल कीड़े सर चढ़ के बोलेंगे इन ऑल इज वेल विद आरजे डिंपल 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 ऑन योर फेवरेट रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बात तो सही है, एक्चुअली ना इस दुनिया ने टोटली हमें उलझा रखा है और अपनी बातों में ऐसा फंसाया है कि निकलने का कोई भी सलूशन नजर आता ही नहीं है। लेकिन चिंता का कोई विषय ही नहीं है भक्त, क्योंकि मैं हूँ ना, और मैं जहाँ पर होती हूँ सलूशंस अपने आप वहाँ से लाइन में लग जाते हैं और टेंशन पीछे वाले दरवाजे से कब उड़नछू हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हेलो, मैं आरजे डिंपल एक बार फिर से आ गई हूँ आपके पास इन ऑल इज वेल ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप लोग, मैं नहीं पूछने वाली क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग टोटली मस्त हैं और टोटली खुश हैं। और ऐसे खुशी में मैं और चार चांद लगा देती हूँ आपको आपकी फेवरेट वाली बातें बताकर। बातें बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई मैं यानी कि डिंपल आपको ना सारी प्रॉब्लम्स के सलूशन दूंगी। लेकिन 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 इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आई हूँ इतनी दूर से आपके लिए, और वैसे भी पूरे हफ्ते में तो हम एक ही बार मिलते हैं ना, और अब मिलते हैं तो उसमें मैं आपको ऐसे वैसे टाइप की तो चीजें बताऊंगी। समझ गए ना आप कि मैं आपको कैसी कैसी चीजें बताऊंगी, बिल्कुल फिट एंड फाइन टाइप की, ताकि आपकी भी लाइफ फिट एंड फाइन हो जाए, हेल्दी हो जाए, और इस हेल्दी के साथ में थोड़ी वेल्दी और थोड़ी स्वीट सी हो जाए। और इन सारी चीजों से पहले मैं आपको बता दूं कि गाने आपको सुनाऊंगी मस्त वाले। लेकिन 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 उससे पहले मैं आपको बताना भूल ही गई, एक्चुअली ना दो गानों की बहुत ही खास रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास, हमारे यानी मेरे पास, कि भाई इन गानों को आप जरूर सुना दीजिएगा, क्योंकि अगर ये गाने मैं उनको सुनाऊंगी तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये गाना हर्षित प्ले करवाना चाहते हैं मीरा के लिए, मीरा जो कि उनकी होने वाली वाइफ है। तो वाइफ के लिए छोटी सी चीज मैं नहीं कर सकती तो कौन करेगा। लो भाई हर्षित, थोड़ा सा हर्षित हर्षित हो जाइए, और सबसे पहले मीरा के लिए ये स्वीट से सॉन्ग। और अब मैं आ ही गई हूँ और बातों का सफर स्टार्ट हो ही चुका है, तो चिपक के रहिए मेरे यानी डिंपल के साथ ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और शो है ऑल इज वेल। जुड़ के तुझसे कभी टूटे ना रिश्ते।
रिश्ता जुड़ के तुझसे कभी सौ बलाएं ले गया तू सर से रे नैना ये मल्हार बन के बरसे रे शहर में घर मेरा हो गया सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं जैसे हूं
बोला था ना, जो भी आप बोलेंगे वो मैं करूंगी। देखा, हर्षित ने मीरा के लिए ये गाने प्ले करवाए थे और मैंने उन्हें प्ले किया भी, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि मैं वो नहीं करती जो आप नहीं चाहते। लो जी, वेलकम बैक है इन ऑल इज वेल ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। और जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि भाई आप अगर कुछ भी ऐसी बातें मुझसे शेयर करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट या फिर कोई भी ऐसा मैसेज जो यहाँ से वहाँ पहुँचाना हो, तो भाई हम यहाँ बैठे हैं, आप फ्री होके मेरे फेसबुक पेज पे अपनी बातों को इनबॉक्स कर दिया करिए और चुपचाप टेंशन फ्री हो जाया करिए और मुझसे ना सारी चीजें आप यूं ही करवा लिया करिए। लीजिए भाई, इनके गाने तो प्ले हो गए और बारी अब आपकी है। जल्दी से मुझे मैसेज करिए कि आपको कौन सा गाना सुनना है, कौन सी बातें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पर शेयर करनी है, या फिर कौन सा ऐसा मैसेज है जो आप किसी को पहुँचाना चाहते हैं और दिल से पहुँचाना चाहते हैं। बात करते हैं वापस से अपनी। भाई आजकल ना बड़ी चीजें कॉमन सी हो रही हैं। अब ठंड तो थी ना, भयानक वाली आई और भयानकता से थोड़ी थोड़ी है भी और वो जा भी रही है। अब तो भाई गर्मी आएगी इतनी भयानक वाली कि हम और आप घर के अंदर ही बैठना पसंद करेंगे। और ऐसा कहना है कुछ लोगों का, अब मैं किसी के ऊपर कोई भी फिंगर नहीं पॉइंट कर रही हूँ, बट हाँ ऐसा मुझे सुनने में मिला है आचा पाचा सूचनाओं से, और ऐसा सुनने को मिला है कि भाई इस बार जो गर्मी है ना ये बहुत ही फैंटास्टिक टाइप की जाने वाली है, हर आम इंसान आम ही रह जाएगा और ये आम ना बहुत ज्यादा पक जाएगा। और अभी वक्त है आपसे एक छोटी सी टिप शेयर करने का जो कि मुझे बताई है अर्पिता सिंह ने। अर्पिता सिंह का कहना है कि भाई अगर लोग परेशान हैं बालों के झड़ने से तो कुछ खास तरीके की चीज कर सकते हैं। अब वो रेमेडी उन्होंने खुद पर अप्लाई की और उन्हें बेहद फायदा हुआ है, तो उन्होंने शेयर की है मुझसे और ये भी रिक्वेस्ट की है कि मैं आप सबसे शेयर करूं। तो शेयर करूं, क्या लगता है शेयर करना चाहिए या नहीं? ठीक है, मैं इनकी ये टिप भी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले भी आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक फैंटास्टिक सा गाना और एक गाना ऐसा जो एक के साथ एक फ्री है, मतलब दो फैंटास्टिक वाले गाने आ रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल एंजॉय करिए, चाय की जो है जबरदस्ती घूट लीजिए, साथ में समोसा वमोसा लपेटना चाहते हो बिल्कुल लपेट लीजिए और मुफ्त में पकौड़ियां खा लीजिए। फिलहाल आप इतना एंजॉय करिए और वापस आइए और चिपक करिए मेरे अनिल रिपल के साथ ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ इन ऑल इज वेल। एक हो गए हम और तुम, हम तो उड़ गई निंदेरे, एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई निंदेरे, और खन की पायल मस्ती में तो कंगन। Oh, hum, 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 h
दिल को ना मस्त मलंग ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा जब रहता है ना तो इंसान बेहद खुश हो जाता है। वेलकम बैक इन ऑल इज वेल ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ, मैं डिंपल हूँ आपके साथ। और बात यहाँ बहुत कॉमन सी चल रही थी, लेकिन वो इतनी खास है कि वो कॉमन रह नहीं पा रही है। आपको पता है कि एक इंसान एक दिन में कितना सोचता है?
बहुत सारा सोचता है भाई, मैं तो इतना ज्यादा सोचती हूँ कि कभी कभी सोचते सोचते ये भी भूल जाती हूँ कि भाई मैंने सोचा क्या था। और इस तरीके की सोच ना मुझे बहुत ज्यादा भयानक लगती है, क्योंकि भाई सोच सोच के पूरी दुनिया की ऐसी की तैसी हुई जा रही है और ये सोच खत्म ही नहीं होती। एक दिन में इंसान 60,000 बार सोचता है, कैन यू बिलीव इट? ओ माई गॉड, मतलब 60,000 बार। आप ही सोच सकते हैं कि ये दिमाग कितना काम करता है। और ऐसे जब दिमाग काम करता है ना तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कभी कभी। जानते हैं किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? कभी कभी सर में भारी वाला दर्द हो जाता है, कभी कभी ना सर दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको चक्कर वक्कर भी आने लग जाते हैं, कभी कभी ब्लड प्रेशर लो होता है तो कभी इतना हाई हो जाता है कि आपकी तबीयत यहां से वहां हो जाती है, और कभी कभी ना बहुत ही कॉमन सी चीज हो जाती है, और ये कॉमन सी चीज होते होते बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मली ये सभी के साथ होता है, बच्चे बूढ़े, और ये समस्या ना महिला पुरुष का भी भेदभाव नहीं करती, चिपकती है ना तो बाई गॉड रुला के छोड़ती है। और इस समस्या का नाम है बाल झड़ना। ये जानते हैं क्यों होता है? नॉर्मली बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मुझे बनना पड़ता है, क्योंकि मैं तो भाई ऑलराउंडर हूँ। जहां भी मेरा हाथ पैर अंदर जा पाता है ना, मैं तो भाई कर जाती हूँ। मुझे तो सब सीखना है और सब कुछ सबको बताना है। जब भी आप ज्यादा सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, बाल झड़ जाते हैं। जब भी आप अपने बालों की केयर नहीं करते, बाल झड़ जाते हैं। जब भी आपको टाइम नहीं मिलता अपने बालों को संवारने का, बाल झड़ जाते हैं। और कभी कभी तो ये आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो जाती है कि पहले आपकी पीढ़ियों में ये प्रॉब्लम थी और अब आप पर ये लागू हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो कोई बात नहीं, अर्पिता सिंह जी ने बड़ी ही कमाल की टिप दी है और वो मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे। अर्पिता जी का कहना है कि आप हेयर वॉश के एक रात पहले अपने हेयर्स में ना, आप जिस भी तेल को लगाते हैं, जिस भी ऑयल से ऑयलिंग करते हैं ना, उसको गुनगुना सा गर्म कर लीजिए। गर्म यानी कि गुनगुना, हल्का सा, और उसको अपनी उंगलियों के टिप्स पर लीजिए और अपने हेयर में आराम से ऑयलिंग कीजिए, और बहुत हल्के हाथों से ना आप अपने पूरे बालों को कवर करिए, और बालों के साथ कोई भी खींचतानी मत करिए। लंबे बाल हैं तो उन्हें लपेट लीजिए, छोटे बाल हैं तो उन्हें ऐसे रहने दीजिए। और मॉर्निंग में पहले आप अपने बालों को सुलझाएं और उसके बाद में हल्के हाथों से शैम्पू करने के बाद कंडीशनर जरूर यूज करें। बालों की अच्छे से देखभाल करिए, क्योंकि जब तक आपके सिर पे बाल हैं तब तक आप हैंडसम और ब्यूटीफुल हैं, और जहां ये कम हो गया आपकी सारी ब्यूटीनेस पे, आपकी सारी हैंडसमनेस पे पानी फिर जाता है, और फिर तो चौधरी का चांद बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस छोटी सी टिप को आप आजमाएं और अर्पिता जी को थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा अपने मन में, क्योंकि भाई मैं जा रही हूँ कुछ गाने प्ले करने। अब आप भी सोच रहे होंगे ना कि गाना कौन सा है। अब भाई जब दीवानी मस्तानी हो सकती है तो ये डिंपल भावरी क्यों नहीं हो सकती है। तो बस आप इंजॉय करिए ये प्यारे प्यारे गाने। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने बिठानी, कहा भी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जब ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई।
दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। ترنے لگے
तन बदन दिन काम करने के बाद जब ये गरम गरम चाय मिलती है ना तो बाय गॉड उस टाइम तो कोई प्यार से प्रपोज भी कर देना तो आंखों में एकदम खून जैसा उतर आता है भाई। चाय के टाइम कुछ नहीं चाहिए होता है, केवल शांति और प्यारे प्यारे गाने के साथ प्यारी प्यारी बातें। आई लव इट। वेलकम बैक है जी, इन ऑल इज वेल ऑन रेडियो उड़ान फ्लैट ऑफ लाइफ और मैं डिंपल हूँ आपके साथ। मेरा तो भाई यही हिसाब किताब है कि जब भी आप ज्यादा थक जाते हैं ना तो 5 मिनट के लिए, सिर्फ इस पूरे बिजी डे के बाद 5 मिनट के लिए अपने आप को अपने लिए रखिए और इन 5 मिनट में खूब सारी गहरी सांस लेने के बाद में आराम से टेंशन फ्री होके आंखें बंद करके अपनी मन चाही चीजों को सोचिए। मन चाही चीजों का मतलब है आप कुछ इमेजिनेशन भी कर सकते हैं जिससे आपको सुकून मिलता हो। जैसे कि भाई मैं तो एक ही काम करती हूँ, आंखें बंद करती हूँ और खुद को हरी हरी घास पे जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और उस घास पर ओस की ठंडी ठंडी बूंदे पड़ी हो, मैं नंगे पांव चल रही हूँ और वहीं आसपास कहीं झील हो तब तो मजा ही आ जाता है और उस झील से लड़ती हुई ठंडी हवाएं जब आपको छुएंगी ना तो ऑसम। और लो मैं उस जगह पर गई भी नहीं और इतना सब कुछ थिंक प्रोसेस चलने के बाद में वाव मुझे रिलैक्स भी मिल जाता है और ऐसे आप अपनी टेंशन भी कम कर सकते हैं। लो जी इतनी अच्छी टिप आपको बिना कहीं जाए ही मिल जाती है जब घर पे, तो बस आराम से चाय उठाइए पीजिए और 5 मिनट अपनी लाइफ के अपने लिए निकालिए। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, चाहिए ये प्यारे प्यारे गाने चाहिए। तो आप इन्हें एंजॉय करिए, मैं वापस आती हूँ थोड़ी ही देर में। मैं तो तेरे शब्द की सुबह हूँ।
वो रहे मुझ में ही, वो
वैसे बात तो सच है, कोई ना कोई होता है जो आपके लिए बना होता है और सही वक्त आने पर आपको मिल ही जाता है, जैसे कि मैं आपको मिल जाती हूँ हर वंश से, सेम टाइम पर सेम जगह पर और बहुत सारी नई नई बातों के साथ में। वेलकम बैक एंड ऑल इज वेल ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और मैं आपको बताने जा रही थी बेहद खास बात, वक्त है किसी के मैसेज को किसी खास तक पहुंचाने का, और ये मैसेज है अनुराग सिन्हा का ज्योति जी के लिए। उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा नाम लिया है और अपनी बातों को इस तरीके से बताया है कि मैं आपको बताऊंगी ना तो आप समझ जाएंगे कि नाम तो एक ही बार लिया है मगर बातें बहुत गहरी हैं और ये बातें बहुत सारी हैं। अनुराग जी का कहना है कि कुछ टाइम पहले वो एक लड़की से मिले थे, नॉर्मल से दोस्ती ने न जाने कब एक गहरी सी दोस्ती का रूप ले लिया और ये गहरी सी दोस्ती न जाने कब अनुराग के दिल में इतनी ज्यादा खास हो गई और इतनी ज्यादा मजबूत हो गई कि वो अब इस दोस्ती के निशा को बदल कर प्यार का नाम देना चाहते हैं। और ओह माय गॉड, आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। इससे पहले कि वो ज्योति से ये बात खुद कहते, वो ये बात यहाँ शेयर करना चाहते हैं एंड ऑन एयर वो ज्योति को प्रपोज करना चाहते हैं। ओह माय गॉड। मतलब मेरे हिसाब से ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ओके, बारी है इस प्यारे से मैसेज को पढ़ने की। हाय, मेरा नाम अनुराग सिन्हा है और मैं यहाँ यानी कि रेडियो उड़ान पर एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और ये जानता हूँ कि मैं उसका साथ जिंदगी भर के लिए निभा सकता हूँ। और मैं जिन्हें प्रपोज करना चाहता हूँ उनका नाम है ज्योति, जो कि 6 सालों से मेरी जिंदगी में एक अच्छे दोस्त की तरह रह रही हैं और अब मैं चाहता हूँ कि वो सारी जिंदगी मेरे लाइफ पार्टनर के जैसे बनकर मेरे साथ बिताए। ओह माय गॉड, एंड वो ज्योति जी को प्रपोज कर रहे हैं। मैं जानती हूँ ज्योति, ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक ऐसा मोमेंट होगा जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होगे कि क्या करना है क्या नहीं, तो फैसला सोच समझ कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि कोई है जो आपके लिए जी रहा है। और अनुराग जी का कहना है कि हाँ वो एक गाना प्ले करवाना चाहते हैं ज्योति जी के लिए। लीजिए भाई ज्योति, आपके लिए एक प्यारा सा गाना आ रहा है और इस गाने का नाम है बोल दो ना जरा। और सो स्वीट, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। ओ माय गॉड, कोई मुझे भी ऐसे प्रपोज करता ना तो मैं फटाक से हाँ बोल देती मम्मी की परमिशन से। ओके, वक्त है जो कि मुझसे कह रहा है कि डिंपल निकल लो और नेक्स्ट वीक आना। तो आप भी अगर मुझे कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा मैसेज या कोई भी ऐसी पर्सनल चीजें शेयर करना चाहते हैं और ऐसी प्यारी प्यारी सी चीजें मुझसे अगर शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर अपनी बातों को इनबॉक्स कर सकते हैं या कोई ऐसा मुद्दा जो आप उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल बेझिझक, क्योंकि जहाँ हिचक है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हिचक को बेझिझक कर दीजिए और मुझसे सारी बातें शेयर करिए। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, डोंट बी शाय, डिंपल सेइंग टू यू टेक केयर, लव यू एंड टाटा बाय बाय। और ये प्यारा से गाना अनुराग जी ने प्ले करवाया है ज्योति जी के लिए। लव यू, बाय बाय। कैसे बताए कैसे जताए सुबह तक तुझ में जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है पीना चाहे। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। आदत है, ओ आदत
एक दूजे से जुड़ रहे एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी मेरे होश भी उड़ने लगे मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में जन्नत जैसी एक राहत है एक बात कहूँ क्या इजाजत है तेरे इश्क की मुझको आदत है एक बात कहूँ क्या इजाजत है तेरे इश्क की मुझको आदत है सबसे अलग अंदाज तेरे लगते बेसाखता हम साए से तेरे हर शाम लिपटते हैं हर वक्त मेरा कुर्बत में तेरी जब गुजरे तो इबादत एक बात कहूँ क्या इजाजत है तेरे इश्क की मुझको आदत है एक बात कहूँ क्या इजाजत है तेरे इश्क की मुझको आदत है कब से मैं दर दर फिर रहा मुसाफिर दिल को बना दे तू आवारगी को मेरी आज ठहरा दे हो सके तो थोड़ा प्यार जता दे सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भिगा दे है क्यों
बात गुलों की जिक्र महक का अच्छा लगता है क्यों उन रंगों से तूने मिलाया जिनसे कभी मैं मिल ना पाया दिल करता है तेरा शुक्रिया फिर से बहार तुला दे दिल का सुना बंजर महका दे सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भिगा दे अकेला जरा हाथ बढ़ा दे सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भिगा दे पड़ी दिल की इस जमीन को भिगा